हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपन यहाँ पे बात करेंगे कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। और फिर अपन बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, जिसमें अपन उपयोग करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अपन ने पढ़ा है कि एक आवेश Q1 दूसरे आवेश Q2 पर दूर से ही बल आरोपित कर देता है। ये जो आवेश Q1 है ये Q2 पर इतनी दूर से ही इस पर बल आरोपित कर देगा, ठीक है। और ये आवेश भी इस आवेश Q1 पर दूर से ही बल आरोपित कर देगा। जैसा कि अपन ने देखा भी है कि प्लास्टिक की रोड कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को दूर से ही आकर्षित कर लेती है। ऐसा नहीं होता कि ये आवेश बिल्कुल इसके नजदीक आके संपर्क में आके और इसको आकर्षित करे, है ना। दूर से ही ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित, ठीक है। अब अपन बात करें कि ये आवेश Q1 दूसरे आवेश Q2 को किस प्रकार से दूर से ही आकर्षित कर सकता है ना। तो इसके लिए माइकल फेराडे ने कल्पना की कि हो सकता है कि कोई चार्ज, जैसे अपन बात करें Q1 की, अपने चारों ओर ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर ले, चारों ओर यानी ये अपने चारों ओर कोई क्षेत्र उत्पन्न कर ले जिसमें अगर कोई अन्य आवेश आ जावे तो बल का अनुभव करे, है ना। और इस क्षेत्र के कारण ही इस पर क्या लग रहा है, बल, ठीक है। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया बाद में, विद्युत क्षेत्र। अब अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन की, तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या बनेगी वो देखना। किसी स्थिर विद्युत आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करे विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र को अपन विद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र को निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। अगर अपन कोई बिंदु ले रहे हैं और बिंदु की स्थिति का सदिश फलन अगर ले रहे हैं, सदिश फलन, ठीक है, सदिश फलन के रूप में अगर अपन दर्शाना चाह रहे हैं तो अपन उसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अगर ग्राफीय विधि में दर्शाना चाहें, ग्राफीय विधि, तो उसको फिर अपन बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं। और अगर बिंदु की स्थिति के अदिश फलन द्वारा दर्शाना चाह रहे हैं, अदिश फलन, तो फिर अपन उसको बोल देंगे विद्युत विभव। यहां पर कुछ बातें ध्यान देना कि विद्युत क्षेत्र एक समान भी हो सकता है और विद्युत क्षेत्र असमान भी हो सकता है। अगर अपन बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो होता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ठीक है। और अगर अपन बात करें असमान विद्युत क्षेत्र, तो यह उत्पन्न होता है, है ना, या तो अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, या एकल आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहां पे दो बातें और अच्छे से ध्यान रखना। एक तो अपन बात करेंगे स्त्रोत आवेश और दूसरा अपन बात करेंगे परीक्षण आवेश, ठीक है। स्त्रोत आवेश नाम से ही पता है वह जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो अपन लिख दें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और परीक्षण आवेश इसका इंग्लिश नेम है टेस्ट चार्ज, ठीक है, और इसका है सोर्स
चार्ज, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज यानी टेस्ट है ना, यानी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगा, टेस्ट, ठीक है। तो परीक्षण आवेश वह है जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है, या फिर अपन ये कह दें कि परीक्षण आवेश वह होता है जो कि विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है, ठीक है। यहां पर एक बात विशेष ध्यान रखना कि स्रोत आवेश एक या एक से अधिक स्रोत आवेश कितने भी हो सकते हैं, लेकिन परीक्षण आवेश हमेशा अकेला ही रहेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्र से मतलब है ना, जिसमें बंद पृष्ठ में एक चक्कर पूरा लगाने में आवेश द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, ठीक है। चाहे बंद पृष्ठ का आकार किसी भी तरह का क्यों ना हो। विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड अपन एक राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य है ना, या फिर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, ठीक है। तो इसकी प्रबलता को अपन देखेंगे आवेश पर लगने वाले बल के रूप में, यानी अपन ये कह दें कि आवेश पर ज्यादा बल लग रहा है तो क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, और कम लग रहा है तो कम है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन इस प्रकार से होगी, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है, ठीक है। इसकी और भी डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर आरोपित बल की दिशा में ही होती है। अगर अपन बात करें कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। तो Q0 पर फोर्स लग रहा है F, तो एकांक पे कितना लगेगा, वो लग जाएगा F अपॉन Q0, ठीक है। अब इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही सेकंड डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर सदिश रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो E सदिश इज इक्वल टू जगह F सदिश बाई Q0, ठीक है। यहां से इसका मात्रक निकाले तो मात्रा हो जाए न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये कैसे आया, कहां से आया, इसे देखेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 में। ध्यान रखना किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश या किसी भी आवेश पर बल का अगर अपन व्यंजक निकालना चाहें तो अपने पास E सदिश इक्वल टू F सदिश बाई Q0 है, तो अपन यहां से F सदिश इक्वल टू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, E सदिश गुणा Q, ठीक है। या फिर अपन ये कह दें कि F इक्वल टू QE, ठीक है, ये किसी भी आवेश पर विद्युत क्षेत्र में बल का व्यंजक है। हाँ, अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का V में सूत्र निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, तो न्यूटन की जगह रखेंगे M1 L1T माइनस 2 अपॉन C की जगह रखेंगे A1 T1, तो ये अपने पास होगा M1 L1 T माइनस 3 A1 माइनस 1 सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, ठीक है। अब अपना टॉपिक है एकल बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक कोई बिंदु आवेश है उससे स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसकी गणना अपन कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकालना चाह रहे हैं तो पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए अपन लेंगे एक तो स्रोत आवेश, ठीक है, और फिर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले में अपन ने पढ़ा है E सदिश इक्वल टू होता है F सदिश अपॉन Q0, यानी परीक्षण चार्ज भी होता है फॉर्मूले में, है ना। तो फिर यहां पे एक तो अपन लेंगे स्रोत आवेश और एक लेंगे परीक्षण आवेश, ठीक है।
तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैंने यहां पे एक आवेश ले लिया, स्रोत आवेश, जिसको दे दिया प्लस क्यू नाम, ठीक है। और इसको इस तरफ तो ये एक्स अक्ष और ये ऊपर की ओर ये वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। फिर यहां से स्मॉल आर दूरी पर, आर दूरी पर मुझे क्या करना है, कोई बिंदु है पी, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, पी बिंदु पर यह मान लो कि कोई स्रोत आवेश रखा हुआ है क्यू जीरो, जो कि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका अनुभव करेगा, यानी इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्यू जीरो पे क्या लगेगा, बल। अब बल किस तरफ लगेगा तो वो अपन देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव और स्रोत आवेश भी अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण यानी बल लगेगा इस रेखा का अनुदिश ऊपर की ओर, इसको मैंने नाम दे दिया एफ सदिश, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बल की डायरेक्शन दर्शाने के लिए यहां पे ले लेता हूं एकांक सदिश आर केप, ठीक है। माना प्लस क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन को गणना करनी है। इसके लिए अपन ने यह माना कि क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है पी, उस पर क्यू जीरो आवेश रखा है। अगर क्यू जीरो आवेश रखा है तो इस पर बल लगेगा, है ना। तो विद्युत बल, विद्युत बल, ठीक है, वो होगा एफ सदिश इक्वल टू के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे दे दूं मैं आर कैप, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब मैं बल क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला जानता हूं कि ई सदिश जो होता है वो होता है एफ सदिश बाई क्यू जीरो, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैंने क्या निकाल लिया, बल निकाल लिया कूलम्ब के नियम से। अब चूंकि ई सदिश इक्वल टू होता है एफ सदिश बाई क्यू जीरो, इक्वेशन दो, समीकरण एक व दो से, एक व दो से ई सदिश इक्वल टू अपने पास हो जाएगा वन बाई क्यू जीरो, एफ सदिश की वैल्यू रखेंगे के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे ये आर के क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसल, ठीक है। तो अपने पास ई सदिश इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर केप, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप। यह है एकल बिंदु आवेश के कारण इससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ध्यान रखना कि यदि अपन माध्यम की बात करें, माध्यम हो तो, है ना, k इक्वल टू रखेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो अपने पास e मीडियम सदिश इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, और ये r के, ठीक है। और यदि निर्वात हो, है ना, निर्वात हो तो वहां पे अपन रखते हैं k इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो। तो अपने पास e नॉट सदिश इक्वल टू हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये q, और ये r के, ठीक है। तो ये जो व्यंजक है ये माध्यम में है और ये निर्वात में। अब अपन यहां से एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर अपन चाहें तो, क्योंकि इसको अपन में ऐसे लिख सकते हैं e सदिश इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन r क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये r कैप, ठीक है। ये जो सारे फॉर्मूले हैं सदिश रूप में हैं, अगर इसी को अपन अदिश रूप में लिखे तो अपने पास हो जाएगा e इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन r क्यू बाई आर स्क्वायर, ये अदिश रूप में है, ठीक है। इसको भी अपन अदिश रूप में लिखना चाहें तो अदिश रूप में क्या हो जाएगा, e नॉट इक्वल टू, ये मीडियम में था ना, नॉट इक्वल टू अपने पास हो जाएगा q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सॉरी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा ये r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर अपन इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें, ठीक है,
तो यहाँ पे इसमें और इसमें सिर्फ अंतर सिर्फ इतना सा है कि क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ पे भी है और क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ पे भी है। यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा पद है। तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि ई मीडियम इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये जो रिलेशन है सेम टू सेम इस रिलेशन जैसा है एफ मीडियम इक्वल टू एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर के जैसा, ठीक है। तो ये जो है ये माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मध्य संबंध है। अगर पूछे तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, वरना अगर अपने क्वेश्चन आवे कि एकल बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें तो अपन को यहां तक करना है और यहां तक करके फिर अपन के की वैल्यू लिख देंगे कि जहां के इक्वल टू अपने पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और ये यहां अपना क्या हो जाएगा आंसर। ये मैंने इतना इस वजह से बताया ताकि क्वेश्चनों में अपन को प्रॉब्लम नहीं आवे। अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अपन ये कहते हैं कि बहुत सारा आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अपन इस डेरिवेशन में प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत का यूज करते हैं। और अध्यारोपण सिद्धांत का कथन है कि अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होती है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि बहुत सारा आवेश ले लेते हैं, जैसे मैंने एक आवेश लिया Q1, दूसरा Q2, अगला Q3, ऐसे बहुत सारा आवेश है और अंत वाला आवेश रखा हुआ है Qn। और इसके कारण मैं चाहता हूं कि इस बिंदु पर मुझे क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं P, ठीक है। अब पहले आवेश की इस बिंदु से दूरी है वह मैंने मान ली R1 सदिश, दूसरा आवेश की R2 सदिश, तीसरे आवेश की दूरी R3 सदिश, और लास्ट वाला जो आवेश है N वाला आवेश, इसकी जो दूरी है वो है Rn सदिश, ठीक है। अब अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में देखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है, इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे परीक्षण आवेश लेना तो जरूरी नहीं है, अगर अपन चाहें तो कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, Q0, ठीक है। तो ये सभी समान प्रकृति के हैं। अब इसके कारण इस पर बल किस दिशा में लगेगा, इसी रेखा का अनुदिश आगे की ओर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। इसको पहले आवेश के कारण, इसलिए मैं इसको नाम देता हूं E1 सदिश। इसके कारण जब बात करें तो इसी रेखा का अनुदिश ये E2 सदिश, Q3 के कारण E3 सदिश, और ऐसे ही चलता जाएगा आगे, और Nवें आवेश के कारण जो होगी वो हो जाएगी En सदिश, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे अपन E1, E2, E3, En की अगर दिशा देंगे तो फिर इसके लिए अपन बात करेंगे एकांक सदिश की। तो मैं यहाँ पे एकांक सदिश ले लूंगा R1 केप, इसको R2 केप, इसको R3 केप, और इसे ले लेंगे Rn केप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वो देखो। पहले अपन एक बार और कथन देख लेते हैं ताकि इसको करने में अपन को आसानी रहे। तो कथन क्या कह रहा है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को सदिश योग के बराबर होती है। यानी मैं ऐसा लिख दूं तो सही है, ई सदिश इक्वल टू E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस En सदिश, ठीक है। इसकी थ्योरी आप लिख सकते हो कि माना विद्युत आवेश Q1, Q2, Q3 En किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, ठीक है, तथा इन आवेशों के कारण P पर अलग अलग तीव्रताएं E1 सदिश E2 सदिश E3 सदिश En सदिश है। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, ये E सदिश इक्वल टू E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश
प्लस डोटो डॉट प्लस ई एन सदिश, ठीक है, समीकरण नंबर एक। अब मैं यहां पे क्या करूं, ई वन सदिश निकाल लूं, फिर ई टू निकाल लूं, फिर ई थ्री निकाल लूं, ऐसे ही ई एन निकाल के सभी के मान समीकरण एक में रख दूं, तो मेरे पास आ जाएगी परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो ध्यान रखना, चूंकि अपन जानते हैं फॉर्मूला ई इक्वल टू, अभी अपन ने निकाला ई इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सदिश रूप में लिखे तो ई सदिश इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन क्या करेंगे, यहां पे ई वन ई टू ई थ्री डोटो डॉट ई एन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालू ई वन सदिश इक्वल टू जगह के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर आर वन केप, ठीक है। इसी प्रकार ई टू सदिश इक्वल टू के क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर आर टू केप डॉट 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 ई एन सदिश इक्वल टू के क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर आर एन केप, इसको दे देंगे समीकरण नंबर दो। अब बात करें समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, तो समीकरण एक में ई वन ई टू ई थ्री डॉट 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 ई एन के मान रखते जाएंगे तो अपने पास आएगा ई सदिश इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर आर वन केप प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर आर टू केप प्लस डॉट 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 प्लस के क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर आर एन केप, ठीक है। और इनमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, तो अपने पास कॉमन आ रहा है इसमें से के, तो के कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है अपने पास, क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर आर वन केप प्लस क्यू टू अपॉन आर टू स्क्वायर आर टू केप प्लस डॉट 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 प्लस क्यू एन अपॉन आर एन स्क्वायर आर एन केप, ठीक है। ये जो समीकरण है समीकरण नंबर तीन, क्यू वन कोमा क्यू टू कोमा क्यू थ्री डॉट 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 क्यू एन आवेशों के कारण बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। इसे अपन ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसी को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं कि E सदिश इक्वल टू के समीशन I इक्वल टू वन से N क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर आर आई केप, ठीक है। ये समीकरण नंबर चार। तो समीकरण तीन और चार अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।